हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम नेक्स्ट ईयर कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम इस ईयर देते हैं तो ट्वेल्थ वाले बच्चे जो है वो एक सब्जेक्ट में देंगे, टेंथ वाले जो बच्चे हैं वो दो सब्जेक्ट में देंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो जितने भी सब्जेक्ट उनकी मार्कशीट में उन सभी में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे कैच ये है कि आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देना होगा। तो अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो टेंथ वाले बच्चे इलेवेंथ क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, एडमिशन ले भी लिया तो ड्रॉप करना पड़ेगा, और ट्वेल्थ वाले बच्चे हायर एजुकेशन में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब वो किसी भी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते फर्स्ट ईयर में। अगर लेते हैं तो उनको वो ये ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप सीबीएसई की इंप्रूवमेंट एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर होगी उसके लिए जा सकते हो। ठीक है,